नमस्कार एरीज, एरीज यानी मेष राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है और 6 सितंबर से 12 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक पेड चैनल है, बार बार पर्सनल फ्री रीडिंग करवाने के लिए कॉल या मैसेज ना करें। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए चल लेते हैं, देखते हैं कि जो एरीज के पर्सन हैं उनकी एरीज के प्रति फीलिंग्स क्या, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि एरीज अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। और इस सिचुएशन का 6 सितंबर से 12 सितंबर के लिए आउटकम क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन क्या सोचते हैं एरीज के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पार्टनर हैं वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है लड़ाई झगड़ा फाइट्स ड्रामे हो रहे हैं। तो वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि बहुत हो चुका, अब इस लड़ाई झगड़े को, इस फाइट्स को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को, इस स्ट्रेस को, इस एनजाइटी को ख़त्म कर देते हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। और अपने ऊपर सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग भी करनी चाहिए। और इस रिश्ते को, अगर इस लड़ाई झगड़े फाइट्स को बंद कर देते हैं और जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके उस पर फोकस करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, कामयाब हो सकता है और ये रिश्ता पहले की तरह खुशियाँ दे सकता है। नेम और फेम होना, खुशियाँ होना, फ्रूटफुल होना और सब तरह से खुशियाँ आना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि अब इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा फाइट्स को, और इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए अपने पार्टनर के साथ मिलकर या उनके पार्टनर को उनके साथ मिलकर। तो देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। एरीज आपके पर्सन आपके आपसे क्या चाहते हैं, एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द फूल, द हर्मेट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते की खुशियों को देखना है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंट कि ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, इस रिश्ते की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो आपको हील करना पड़ेगा, अपने आप को मेडिटेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारियों को। जो रास्ता आप दूसरों को दिखाते हैं वो रास्ता खुद के लिए फॉलो करना पड़ेगा और अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते को खुशियों में तब्दील करना चाहते हैं, और तो आपस में एक दूसरे से बातें करके एक बिगनिंग एक शुरुआत इसमें करने की ज़रूरत है। ऐसा वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को वो चाहते हैं तो वो उनके साथ मिलकर एक बिगनिंग एक शुरुआत करें, वो बंद आंखों से इसमें जंप ना लगाएं, आंखें मूंद कर आगे ना बढ़ें, सोच समझ कर, सोच विचार करके, बातें करके इसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत करें, ताकि इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह हो सके, ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सके और ये रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, नेम और फेम दिलाने वाला हो सके। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि अगर ये रिश्ता स्टेबल हो जाता है, अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह होती हैं और एक बिगनिंग एक शुरुआत हो जाती है, तो ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबिलिटी दे सकता है, नेम और फेम दे सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है, लोग उनको फॉलो करेंगे और समाज में उनकी इज्जत मान सम्मान प्रोस्पेरिटी था सब कुछ होगा, खुशियाँ होंगी, प्यार प्रेम होगा। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं कि वो इसमें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों और समय रहते एक बिगनिंग एक शुरुआत करें,
आपस में बातें वो सलाह मशवरा करके ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एकदम से आंखें मूंद कर जंप ना लगाएं। और अगर इस रिश्ते में वो कमिटमेंट वगैरह करेंगे और शादी में इस रिश्ते को कन्वर्ट करेंगे तो सारी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं। देखते हैं कि एरिस आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में। एरिस आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो एरिस आप अपने पार्टनर के बारे में महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत दुख दिया है, काफ़ी तकलीफ दी है, आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, अब भी आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, हर्ट दुख रहा है, परेशानी में है, तकलीफ में है, उन चीज़ों से आप उभर नहीं पाए हैं और इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद झगड़ा रहा है, ओवरथिंक इस रिश्ते में होती रही है। तो आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि या तो और लग रहा है कि या तो आप ओवरथिंक कर रहे हैं या आपके पर्सन ओवरथिंक कर रहे हैं या दोनों तरफ से ही इसमें ओवरथिंकिंग हो रही है। इस रिश्ते में या तो बातें नहीं हो रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। तो आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जो आप इस बंधन से, इस जो ये बंधन है, आप सोच रहे हैं कि ये आपका खुद का बनाया हुआ है, आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि वो जो उनके पार्टनर है वो इन चीज़ों से बाहर निकलें, खुलकर उनसे बातें करें। और अगर वो उनसे खुलकर बातें करते हैं, इतने उन्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए, इतना कठोर नहीं होना चाहिए और अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए। भले ही ये डिसीज़न लेना उनके लिए बहुत मुश्किल है, सख्त है, लेकिन वो इस रिश्ते में अपने पार्टनर के प्रति डिसीज़न लेना चाहते हैं। एक वो महसूस कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलकर, इस बंधन से बाहर निकलकर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वो महसूस कर रहे हैं कि सारी चीज़ें पहले की तरह हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। और ये डिसीज़न लेना उनके लिए बहुत हार्श है, हार्ड है, कठिन है, लेकिन उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करेंगे और इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे और दोबारा से इस रिश्ते में एक भी अपने पर्सन के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो वो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं ये देख लेते हैं। एरिज अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, एरिज अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। तो एरिज अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, वो इस रिश्ते को लेकर रिग्रेट ना हो, पछताए नहीं है, अलोनली महसूस ना करें। और चीज़ें, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो चीज़ें बाधाएं, परेशानियां हैं, दिक्कतें दे रही हैं, अगर वो नज़रें घुमाएंगे तो वही प्यार, वही मोहब्बत, वही सारी चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है। और वो इस रिश्ते को बोझ ना समझें, बर्डन ना समझें, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो परिवार के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, उनके साथ बांटें। अगर वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अकेले ढोते रहेंगे तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए बोझ बन सकती है, एक परेशानी बन सकती है, फिजिकली और मेंटली भी वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को परिवार, फैमिली के साथ बांटें, शेयर करें, या फिर वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इनको पूरा करें। और सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें, स्टेबल करें अपने आप को। जब उनको लगता है कि वो स्टेबल हो गए हैं, प्रिपेयर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, तो तभी वो इसमें आगे एक्शन लें, तभी इसमें शुरुआत करें, वो इसमें जल्दबाजी ना करें। और अगर वो इसमें समय के साथ शुरुआत कर देते हैं तो, और नज़रें घुमा कर देखेंगे तो अपने पर्सन से वो मदद मांगेंगे तो अब भी उन्हें मदद मिल सकती है, वो इस चीज़ के लिए दुखी ना हो, अपने आप को स्ट्रेस में ना डालें, एंजाइटी में ना डालें और इस
रिश्ते को बोझ ना समझें, बर्डन ना समझें, बल्कि इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इस रिश्ते की खुशियों को देखें कि इस रिश्ते में अब भी प्यार मोहब्बत है। अगर वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देंगे तो फिर से ये रिश्ता पहले की तरह हो सकता है, ऐसा वो अपने पार्टनर से चाहते हैं। देखते हैं कि इसकी इसका आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, मनी, पैसा, अपनी स्टेबिलिटी, अपना लुक्स, अपनी ब्यूटी, इन सब चीज़ों पर आप फ्रीडम और आज़ादी के साथ खड़े उतरेंगे, स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो रिश्ता अपने आप ही आपके पास दौड़ा चला आएगा। और इसमें आप ज़्यादा इमोशंस में ना बहें, समय के साथ, फ्लो के साथ चीज़ों को चलने दें, और जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहा है, अगर आप दोनों उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर लेते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। और आपकी इस जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, वहाँ वो पूरी हो सकती है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको अपने पैरों पर खड़े होना, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, फ्रीडम और आज़ादी के साथ आपको आगे बढ़ना है, और ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना, समय और फ्लो के साथ चलना है, जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रही है उसके साथ आपको चलना चाहिए, और आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी, जो आपकी दिली तमन्ना है वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, अगर आप समय और फलों के साथ चलते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी प्यार, काफ़ी प्रेम आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे कप के कार्ड्स आए हैं, तो काफ़ी प्यार, काफ़ी प्रेम इस रिश्ते में बढ़ सकता है, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, जो आप सोच रहे थे, जो आप फील कर रहे थे। तो अगर इस लड़ाई झगड़े स्ट्रेस को ख़त्म करते हुए, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए, एक दूसरे से बात करके, आमने सामने खुलकर बातें करते हैं, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक कमेंट्स वीडियो बनाने में काफ़ी मदद करता है, हेल्प देता है, खुशी होती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।